एक तरफ जहां लोग कोरोना महामारी से मची हाहाकार से त्रस्त हैं, तो वहीं रिश्वा थाना अंतर्गत रिश्वा के बांगुर पार्क इलाके के भागीरथी अपार्टमेंट में दुस्साहसिक लूट की घटना को अंजाम दिया गया। लूट की घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस मामले में डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की टीम भी जांच पड़ताल में जुट गई है। मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए रिश्वा थाने की पुलिस ने सीसीटीवी में संग्रह हुए फुटेज के आधार पर दो युवकों को हिरासत में लिया है। पीड़ित महिला के जरिए युवकों की पहचान करवाने के बाद पुलिस किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेगी। आपके साथ लड़का है लेने जाते थे 4 बजे तो किसी के बाद से आते हैं शायद जाए तो बोले मनीष कहाँ है बेल बोले बोले कि बोले कौन है तो बोले कि मनीष है हम बोले नहीं हम नहीं रहते हम नहीं जानते तो बोले कि तब तक गेट खोल दिया खोल के हमको धक्का मार के गिरा दिया उसके बाद में कोई हाथ बंद हो रहा है कोई कहाँ मुँह जाते नहीं मुँह जाते मुँह खोला कितना हम हाथ चला जो वो लोग बंधा हुआ था हम उस समय ये नहीं है बोला छुरी मार देंगे जब ज़्यादा बकरा करेगी एकदम चुप रहे उनको छोड़ दे और कान का गला का मोबाइल हाथ का चूड़ी भी सब घीच कर दे गए आज का चूड़ी था दो तीन तो वो फूट फाट के पूरा अभी जब हम चिल्लाना शुरू किया हाथ मैंने जैसे पूरा तो नहीं था बंद लेकिन मुँह खोल दिया ऐसे करके तो जाकर चिल्लाना शुरू किया चोर चोर कमर भैया ये किसी को सुना ही नहीं आया नहीं लास्ट में हम चिल्ला करके यहाँ तक आए हैं चोर चोर करके बोले हैं और तब वो लोग भाग गए तो ऊपर गए दो तारा तो बोले कि देखो मेरा कैसे आप घर में अकेले रहती हैं क्या और कोई आपके साथ नहीं रहता अच्छा आपका नाम बता दीजिए क्या घटना हुई थी कल दो ठो लड़का मोटामोटी 20 से 22 साल का लड़का इस बिल्डिंग के अंदर घुसा है इस बिल्डिंग में घुसने के बाद में नीचे में तो गोली मार रहती है उनके गेट पर जाकर पूछ रहा है कि मनीष बोल के कोई लड़का है तो बूढ़ी माँ ने कहा कि नहीं इस बिल्डिंग में कोई मनीष बोल के नहीं रहता है उस टाइम पर वो दूध लेने के लिए जाने के लिए अपना गेट खुले ही थे गेट को बोलो धक्का दिया गेट को खोल के बूढ़ी माँ को अंदर में धक्का दिया धक्का दे के दोनों जन अंदर घुस के गेट को बंद किया है गेट को बंद करने के बाद अपना चप्पू निकाला है उनके मुंह के ऊपर दो तीन तो मुक्का मारा है उनके छाती पे लात मारा है फिर वो जो गहना गुट्ठी पहना हुआ था ज्वेलरी पहनी हुई थी वो सबको खुलवाया है उससे खुलवाने के बाद में मुँह के अंदर कपड़ा खोज दिया और अलमारी का जो चाबी था वो खोजने लग गया अलमारी खोलने की कोशिश की अलमारी खुली नहीं फिर इतना दिन में फिर वो जैसे चिल्लाने लगी फिर से तो वो बाहर निकल के भाग क्या क्या लेकर भागे उनका चूड़ी था गले में चेन था और कान का था सोने का 1000 रुपया फ्रिज के ऊपर रखा हुआ था वो ले लिया मोबाइल रखा हुआ था फ्रिज के ऊपर वो ले लिया ये सब लेके वो लोग कितने रुपए की चोरी हुई है कितने रुपए की लगभग कितने रुपए की जिस हिसाब से माजी वो बता रही है बुढ़मा 50 ग्राम सोना के लगभग बता रही है उसके हिसाब से आज के हिसाब से 2 से 2.5 लाख का उनका हुआ है आपका नाम बता दीजिए मेरा नाम अशोक वर्मा है।